हेलो दोस्तों, आज सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज है कि हम कोरोना वायरस को कैसे रोकें, कैसे कोरोना पीड़ितों की जान हम बचाएं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और घर पर ही आइसोलेटेड हैं, तो आपके दिमाग में भी यह प्रश्न बार बार परेशान करता होगा कि आखिर मैं अपनी केयर कैसे करूँ कि जल्दी से जल्दी मैं इस वायरस से रिकवर हो जाऊँ। इसके अलावा यह भी प्रश्न आता है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि आज हमें इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात यह आती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो घर पर ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो वो लोग जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा नहीं है और जिन्हें कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। क्रॉनिक डिजीज़ माने कोई लंग्स की प्रॉब्लम पहले से ना हो, बीपी की समस्या ना हो, शुगर और कैंसर वगैरह ना हो, तो आप घर पर ही आइसोलेट होकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन यह ट्रीटमेंट हम ले कैसे, हम अपनी केयर कैसे करें, आइसोलेट होकर हम अपनी केयर कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो टिप नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले हमें अपना एक रूटीन मैनेज करना है, मेंटेन करके रखना है। जैसे हम पहले करते थे, शावर लेना है आपको टाइम से, टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, अपना रूटीन ज़रूर मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट आता है कि अपने आप को शांत रखिए, घबराइए मत। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप ठीक हो ही जाएंगे, पॉजिटिव सोचिए। कोविड की खबरें जो आजकल फैल रही हैं, बहुत केस, इतने ज़्यादा लोग मर गए हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन सब खबरों से अपने आप को बचा के रखिए। सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। अब आती है खाने पीने की बात। तो खाने पीने में आप बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी मील्स लीजिए, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत लीजिए। इस टाइम पर जंक फूड को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट का सेवन करें, जैसे कि हो गया आपका नींबू, संतरा, ये सब डाइट में शामिल कीजिए। बहुत ढेर सारा पानी पीजिए, लेकिन पानी आप ठंडा मत पीजिए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए। कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें, क्योंकि इस समय शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, जैसे स्ट्रेचिंग कीजिए, जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, मांसपेशियां जो जकड़ गई हैं, तो वो थोड़ा फ्री होंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर आप योगा जानते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। गहरी गहरी सांस लीजिए। आप चाहें तो प्रोन पोजिशनिंग को ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पेट के बल लेट जाना है, पेट के नीचे कुछ पिलोज का सपोर्ट दे दीजिए, सर के नीचे पिलो का सपोर्ट दे दीजिए और आपको गहरी गहरी सांस लेना है। डॉक्टर्स के मुताबिक इससे क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आपके लंग्स को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो आप हैवीनेस फील नहीं करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को हो सके तो आप 2 से 3 बार दिन में ज़रूर कीजिए। इस समय शरीर बहुत थका थका सा महसूस करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, इससे आप बहुत फास्ट रिकवर करेंगे। स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए अपने आप को। जैसे आप चाहे तो टीवी देख सकते हैं, टीवी पर न्यूज़ मत देखिए, आप चाहे तो कार्टून देखिए, कार्टून देखने से काफ़ी स्ट्रेस रिलीज होता है, तो अपने आप को मेंटली फिट रखने की कोशिश कीजिए। पैनिक मत होइए, आप चाहे तो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने जानने वालों से बातचीत कीजिए कि आप इस समय पर कैसा महसूस कर रहे हैं या आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप समय समय पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए।
पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस अपने पास ज़रूर रखिए, इससे आप ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा चेक कर सकते हैं। तो इसे रेगुलर इंटरवल्स पर चेक ज़रूर कीजिए। ट्रीटमेंट से लेकर अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। हिचकिचाइए मत, आप अपने डॉक्टर को कॉल करके उससे सलाह ले सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी में हॉस्पिटल जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। तो आइए चलिए अब यह देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब इमरजेंसी कंडीशन आ चुकी है और अब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ वार्निंग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 92% से नीचे आ चुका है, तब आपको हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो। तो ऐसे में पैनिक मत होइए, सबसे पहले कॉल करके अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, इसके बाद ही हॉस्पिटल जाइए। नेक्स्ट, अगर आपको कंटिन्यूस चेस्ट पेन की शिकायत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका फीवर जो है वो 3 दिन होने के बाद भी 103 से नीचे नहीं आ रहा है और आपकी खांसी जो है वो आपको लगातार बनी हुई है, 3 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपकी खांसी में कोई सुधार नहीं आया है, तो समझ जाइए कि यह एक इमरजेंसी है और आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। तो ऐसे कुछ भी वार्निंग साइंस जो अभी आपको मैंने बताए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अपने लोकल डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस ज़रूर कीजिए, उन्हें उसके बारे में ज़रूर बताइए, हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आज की डेट में सभी को पता होना चाहिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इन सब बातों का पता चले। तो अपना ध्यान ज़रूर रखिए, कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेते रहिए और डॉक्टर के साथ टच में बने रहिए। थैंक यू।